हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे 6 से 12 महीने तक के बच्चे होते हैं उनकी बॉडी को कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है या उन्हें कितना पानी देना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो हमारे 0 से 6 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली मना करते हैं पानी देने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमारे बच्चे, जैसे बच्चा हमारा भूखा है और जो पानी होता है पानी में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो सपोज़ जब उन्हें दूध की ज़रूरत होती है और उस समय अगर हम उनको पानी दे देंगे तो उससे क्या होगा कि उनका पेट तो छोटा सा होता है, उनका पेट पानी से ही भर जाएगा। तो उस समय जो उनको बेसिकली जो रिक्वायरमेंट या जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें 0 से 6 महीने तक के शिशु को या बेबीज़ को बिल्कुल भी पानी नहीं देना चाहिए। अब क्या है, अब हम बात करते हैं, अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे जो 6 से 12 महीने तक के बच्चे हैं उनके लिए हम थोड़ा सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं। उनको हम जैसे फ्रूट देते हैं, फ्रूट्स की प्यूरी दे सकते हैं, या उनको हम रवा का चीला वगैरह देते हैं, या बनाना पपाया वगैरह की प्यूरी बना बना के थोड़ा थोड़ा देने लगते हैं। तो 6 से 12 महीने के बच्चे को जब हम सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं तो हम उन्हें थोड़ा थोड़ा सा पानी देने लगते हैं। तो जो हमारे ये बच्चे हैं, यानी कि जो 6 to 12 मंथ्स के बेबीज़ हैं, उनको भी ये नहीं कि हम अब सॉलिड देने लगे हैं तो हम उनको ढेर सारा पानी देने लगेंगे। उस समय भी उनको खाने के बाद या दिन भर में मुश्किल से 3 या 4 सिप में पानी देना चाहिए, क्योंकि पानी में मैंने जैसा बताया कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है। और जो बच्चा होता है जब वो भूखा होगा और अगर हम उसे पानी ही पिला देंगे तो उस टाइम क्या होगा, उसे कोई भी जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल, वो उन बच्चे को नहीं मिलता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक बार हमने बच्चे को फीड कराया और थोड़ी देर में वो फिर से रोने लगा, तो हम सोचेंगे कि शायद अभी तो उसने दूध पिया है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब शायद वो प्यासा हो तो हम उसको पानी पिलाने लगेंगे। लेकिन क्या होता है कि कभी गर्मियों के सीज़न में, या हो सकता है कि जब आपके बच्चे ने पहली बार फीड ले लिया हो उस समय उसने सही से फीड ना लिया और उसको फिर से भूख लगाई हो, और हम लोग ये समझते हो कि शायद उसको प्यास लग रही है और हम उसको गए और पानी पिला दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे के में कभी कभी अब्जॉर्बमेंट ज़्यादा होने लगता है, अब्जॉर्ब ज़्यादा करने लगता है दूध को, तो उस समय उसको फिर से दोबारा जल्दी ही फीड की ज़रूरत पड़ने लगती है। अब जब हम बच्चे को पानी देना, जैसे 6 से 12 महीने बच्चे को हमने सॉलिड दिया, उसके बाद हम जैसे ही पानी देना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट कप से उनके मुंह में लगा दिया डायरेक्ट, या चम्मच से उनको पिलाने लगे। तो कप से जब हम उनको बच्चे को पिलाते हैं तो जो उनकी सकिंग एबिलिटी होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो क्या होता है कि बच्चे यहाँ अपने सब जगह पानी गिरा लेते हैं, या कभी कभी वो बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा सक कर लेते हैं तो वो ज़्यादा पानी पी लेते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या है कि मार्केट में बहुत सारे सिपर अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हो और बच्चे को पानी पिलाने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो इससे आपका बच्चा धीरे धीरे पानी पीना सीख जाएगा। अब बहुत सी माएँ ये पूछती हैं कि मतलब हमें पानी देना है बच्चे को, कैसा देना है, गर्म देना है या उनको ठंडा देना है, या मेरा बच्चा जब पानी पीता है तो बिल्कुल तुरंत ही बाहर निकाल देता है, पानी को अंदर नहीं लेता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 0 से 2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा पानी बॉयल करके ही देना चाहिए। हमने जो आप आरओ का लीजिए, टैप वाटर लीजिए, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको लेके बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि हम पीते हैं पानी, क्योंकि देखिए आप उसको ज़्यादा ठंडा पानी देंगे तो वो भी उसके लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गर्म पानी देंगे तो वो भी उसके लिए नहीं सही होगा। उसको आप हमेशा स्टार्टिंग से जब आप स्टार्ट करते हैं पानी तो उसको बॉयल करके नॉर्मल ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, रूम टेम्परेचर पे पानी रखिए और उसको वहीं पिलाना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा जब खाने के बाद 2-3 सिप लेगा तो उसको क्या होगा, पानी पीने की आदत पड़ जाएगी और वो एक्सपेल भी नहीं करेगा धीरे से। उसको जब अगर सॉलिड लेगा तो उसको अंदर निकलने में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पानी आप उसको 2-3 सिप देंगे तो उसको आदत पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे के पानी के लिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हो, तो
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।